क्या दिक्कत है बेटा? गुरु जी हाल ही है वो है ना, ईश्वर साहब मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। कौन कौन करता है? ईश्वर साहब वो तंत्र विद्या जानते हैं और वो चलाते हैं, हम पे बहुत सालों से परेशान कर रखा है, कई सालों से हम परेशान, हमारे बच्चों को भी मारने की धमकी देते हैं और हमको भी। हमने आपके लिए ये लिखा बेटा, आगे आ जाइए बुढ़िया। हमने लिखा सुने, ईश्वर साहू ने तंत्र वादा कर आपको बस में कर रखा है, उनने तंत्र विद्या के माध्यम से बबलू विश्वकर्मा से आपकी शादी करा दी थी और उन्होंने तंत्र क्रिया के द्वारा आपको एक संतान दी है स्वयं के समागम से, और अपने आपके पति बबलू के द्वारा भी एक संतान आपको प्राप्त है। बोलो हाँ या ना। उसने आपको संपूर्ण शरीर में व्याधि बैठा रखी है, नंग नंग रोम रोम में बैठा रखी है, आपके मुंह में इन्फेक्शन कर दिया है, हाथ पैर ठीक नहीं चलते हैं, कुष्ठ या कोढ़ करने की शक्ति दी दी है कि आपको कोढ़ कर देंगे। हाँ गुरु जी, हाँ। ऐसा बोला उसने? गुरु जी हर मुंह में भी यहाँ पर दर्द है, कुछ पता नहीं छेद छेद हो गया। ऐसा बोला उसने? हाँ हाँ, और कर दिया है, सैकड़ों औरतों के साथ में भी उसका गलत कार संबंध है। हाँ गुरु जी, हजारों औरतें हैं, सबके साथ हजारों औरतें फंसी हुई है, हमारे लिए फंसा कर रखा है, क्या करें गुरु जी? वो तंत्र विद्या के चक्कर में आप उपयोग करता है, और साथ ही आपकी बेटी पर भी उसकी नियत खराब है। हाँ गुरु जी, हमारी छोटी सी बच्ची है 14 साल की। हाँ, उसको अपना बनाना चाहता है, उसके ऊपर भी मोहिनी वशीकरण और तंत्र उच्चाटन काली चौकी रखी गई है। सावित्री विश्वकर्मा, पति नाम बबलू। हाँ। क्या नाम आपका? सावित्री विश्वकर्मा। आपका नाम, आप गुलाम, आप उसको गुलाम बनाना चाहती हैं, लेकिन गुलाम तो नहीं बनेगा, आप मर जाओगी उसके चक्कर में ना पड़े। गुरु जी हम उसे कैसे छुटकारा पाए, क्या करें, वो सबके साथ में यही तो गुलाम क्यों बनाना चाहती है, ऐसा क्यों तुम्हारे दिमाग को चला गया हम उसको गुलाम बनाना है? नहीं, गुलाम बनाने का नहीं गुरु जी, वो हमारे बच्चों में कोई ध्यान नहीं देता, हमारा घर बर्बाद कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, सब छीन लिया उसने। चलो प्रसंग कर रहा है, सबकी सुरक्षा कवच पंडोकर धाम से प्राप्त होगा। 11 मई की तारीख दी है मरने की उसने, आपको बर्बाद करने की 11 मई उसने घोषणा की है, सो वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, मई माई निकल चुका है, आज 11 तारीख है। अच्छा। और आपको अब जीवन में कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, आशीर्वाद जय पुण्य को सरकार की। खबर नोट, चलो आशीर्वाद हनुमान जी कृपा करेंगे, आप बच्चों को भी देखो, बच्चों को भेजो, बेटी को भेजिए अपनी, ये बेटी वहां ना जाए और आप भी उसके पास नहीं जाओगे, ईश्वर के पास तो उनको भगाओ घर में से। हाँ, तो उसके पास नहीं जाना है। बोलिए पंडो को सरकार की, लाभ हो जाएगा, लाभ होगा, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर और कहाँ कहाँ दिखाया था अभी आपने इसको? आपने झाड़बुक कहाँ कहाँ कराई, और किसी तांत्रिक के पास नहीं गई, किसी गुरु के पास नहीं गई, डायरेक्ट पंडो के धाम आई हो? जाओ, हमारी गारंटी है, चका चक होगा, आशीर्वाद है, भाग जाओ। माइक से बोलो, क्या बोले? हमने लास्ट ख्वाहिश आपसे की है कि जीना मरना हो, गुरु जी बचा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं बचा पाएगा। तो हमें कैसे जानती थी आप? हम यूट्यूब पर देखती थी आपको। कब देखती थी? रोज देखते हैं। यहाँ कब आई हो आप? हम यहाँ पर सुबह थे। चलो हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद, खड़े हो जाए आप। ये लड़कियां पहनी होती, ये हाथ में क्या लिए हैं आप? इसमें क्या है? माइक से बोलिए, क्या बोले यार? इसमें आधार कार्ड है। आधार कार्ड नहीं है इसमें, एक आधार कार्ड बड़ा वाला है। हाँ। ठीक है, पूरा फुल पेज वाला। हाँ। और इसमें एक कागज लिखा रखा हुआ है, सब समस्या लिखी उसमें। हाँ गुरु जी। उसमें रुपया नहीं है एक भी? नहीं गुरु जी। खोल के दिखाओ। खाली करो पूरा, पकड़ो नीचे, ऐसे उल्टा करो, कागज हाथ दिखाओ, ला। ला देख लो ना, हाँ बोल, कागज में क्या देखा? आप लिख के ले आई थी? हाँ हाँ, क्या बात है, धन्यवाद, जाइए। बोलिए पंडो का सरकार की, जाइए हनुमान जी कृपा, आप कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है, पढ़ना अच्छे से। कहाँ से आई भैया? महाराष्ट्र कोल्हापुर से आई। महाराष्ट्र कोल्हापुर से आई? हमारा कोल्हापुर। हमारा पर्चा कहाँ है भैया? जब भी आए तो दस्तावेज सहित उपस्थित हो, कानून भी यही कहता है,
जब नोटिस मिलता है तो उसमें आता है कि आपको अमुक विषय में बुलाया जा रहा है, दस्तावेज सहित इतने बजे उपस्थित हो। तो हमारे पास जब आए थे तो मैंने कहा अपने पर्चे लेके उपस्थित होना, क्योंकि हम बंद कमरा में पढ़ भी लेंगे तो किसने देखा। हमारे हाथ के लिखे हुए पर्चे दीजिए, और पर्चे दीजिए, हमारे हाथ के लिखे कहाँ है? एक ही है। पहले सब लोग हमारे पर्चे के ऊपर जाइए, मैंने लिखा क्या है। स्त्री का नाम जयश्री है, दादा देवी दया देवी का ब्रेन ट्यूमर है, इलाज हुआ है, गांठ निकला दिया है, सिर में पीड़ा है, ब्रेन में दिक्कत है, डॉक्टर बीरन डॉक्टर प्रभु का इलाज चल रहा है, साथ ही पिताजी पितर बने हैं, उनको स्थान ज्ञा में देना पड़ेगा। ये लिखा लास्ट में, ये लिखा। हाँ, तो साथी ये तो हुआ सब कुछ आपका यावरा ब्यावरा, और इसमें खेड़कर जी का, नारायण जी का, ये जो हमने बताए हैं ये सब आपको एक प्रमाण दिया गया, आपके ये परजन हैं, ये लोग हैं, इनमें आप जन्मे हैं, उनकी आप बहू हैं, और ये पितर लोग परेशान कर रहे हैं, यही बात है। अब आप नई समस्या आपकी आ गई, तो यहां जितने लोग बैठे हैं डॉक्टर के यहां जाते हैं तो इनको ट्यूमर नहीं है, मैं बात कर रहा हूं ब्रेन की, मैं बात कर रहा हूं, वो खत्म है, वो रोग खत्म है। तो पंडोकर सरकार के द्वारा जो था वो खत्म हो गया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब बुखार नहीं आएगा, अब फेफड़े खराब नहीं होंगे, अब विकलांगता नहीं आएगी। अरे भैया, मनुष्य हैं तो रोग बढ़ भी सकते हैं, अन्य रोग भी आ सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि पंडोकर धाम आए तो और रोग हो गए। नो, आपको इस समय पीलिया है, इनको जॉन्डिस है, और डॉक्टर इनको पीलिया बताएगा, लीवर इंफेक्शित है, और इनको भोजन करने से इंफेक्शित हुआ है। क्या कहा हमने? मेरी बात सुन रहे भाई साहब? अब दोनों अंतर है, ये ब्रेन ट्यूमर है, ये पेट है। ऐसा नहीं कि ब्रेन से पेट खराब नहीं होता है, पेट से ब्रेन खराब नहीं होता, होता है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी सेल के द्वारा दिक्कत आती है, ब्रेन के दिक्कत होने से ही पेट का दर्द होता है, ये भी ध्यान रखो। लेकिन इनको इस समय लीवर के अंदर, लीवर के नीचे दो गांठें हो गई हैं, डॉक्टर ने तो तीन बताई हैं, गर्भाशय पित्त आदि जो नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ है, डॉक्टर ने इनको तीन गांठें बताई हैं। नहीं बताई तो चेक करा लीजिएगा, अगले एक्सरे लेके आइए, बताएंगे नहीं बताएंगे, माइक लीजिए, दिखाओ रिपोर्ट, लेके आए होंगे आप, आप कह रहे हम रखे जिम में, माइक दो मैया, आप बाबूजी को माइक दे दो, दिखाओ रिपोर्ट। हमने तो आपकी रिपोर्ट देखी नहीं, हम तो मरीज को देख के बता रहा हूं कि गर्भाशय में, और इस पर्ची में पहले से लिख रखा हूं कि आपको तीन गांठें हैं, लीवर में गांठ है, गर्भाशय में इंफेक्शन है, और इनको पीलिया जॉन्डिस है, और ये हमने लिखा कहां है ये भी देख लीजिए, नहीं बाद में कहें कि गुरुजी ने गर्भाशय बोला था, फिर किडनी बोल दिया, लीवर बोल दिया। पढ़िए देखिए पीछे, भैया विनायक भैया पीछे इसमें देखिए कहां लिखा है, सबसे नीचे से ऊपर लिखा है, जब तारीख लिखी है ना, डॉक्टर का नाम भी सही बताइए सब, आपने बताया नहीं था डॉक्टर का नाम, आपने बताया, ये दो डॉक्टर ने इलाज किया है, दो बार उसका ऑपरेशन हुआ है, ये आपने बताया, तो आप सोच लो डॉक्टर का नाम भी आपने बताया, तो ये पंडोकर सरकार की कृपा है साहब। और हम लिख रहे हैं कि इनको वर्तमान में कोई भी ट्यूमर फूमर नहीं है, ये अभी थैली में ट्यूमर, देखो ये आया है कि इनका जो एक्सरा है इसमें ये गांठ है, मोबाइल में दिखा रहे हैं, ये जो देखने में डॉक्टर गण है वो बता सकते हैं, हम तो उसको बता नहीं सकते कुछ, तो इसमें तीन गांठें, और हमने भी इसमें तीन गांठें लिखी हैं भैया, ये लिखा है, लिखा नहीं लिखा भैया, तो हमारे यहां पूछा पांची झांका झोंकी की आवश्यकता नहीं होती है,
हमने कह दिया ये वादा है, इसको तत्काल डॉक्टर को दिखाओ, नहीं तो ये कैंसर में डेवलप हो जाएगा। अभी इनको कैंसर फैंसर नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं हमारा ही किया, वो बताया नहीं है। हम बोल तो रहे भाई कैंसर ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में हो जाएगा, कमजोरी जैसी आई और वो कैंसर में डेवलप हो जाएगा, बदल जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा। आपकी कृपा चाहिए इसके लिए। हमारा देखो साहब, बुरा मत मानना, कृपा अपनी जगह पर है, दवाई अपनी जगह पर है, डॉक्टर अपनी जगह पर है, हम अपनी जगह पर है, ज्योतिष अपनी जगह पर है, और पंडो का दरबार अपनी जगह पर है, और दुनिया में सब अपनी अपनी जगह पर है। हम अपना नाम खराब नहीं करेंगे, लापरवाही करोगे हो गई। अरे हमें पता है, घबराओ मत, जितनी तुम्हें चिंता है ना, तुम्हारी पत्नी है, हमारी भक्त है, हमारी धाम में आई है। हर डॉक्टर को अपनी कंपनी का नाम ना गिर जाए, सबको डर रहता है, ऐसे ही मुझे हमारे मरीज हमारे आने के बाद डॉक्टर छोड़ नहीं रहे थे, इसने बोला मेरे को विश्वास है मैं गुरु जी के पास जाऊंगी, और ये धैर्य करके आई है। चलिए हनुमान जी कृपा करेंगे, दवा लग जाएगी, आशीर्वाद है।